क्यों मेरा पीछा कर रहा है, क्यों मेरा पीछे पड़ा है? मैं ये एक नर्स है और हमारा मेडिकल साइंस में ये चीज पॉसिबल नहीं है। मैं कभी अपना लाइफ में ना ऐसा कुछ सुना ना देखा, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ ही क्यों अम्मा, ये क्या लीला है तुम्हारा? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा कौन सा पाप किया कि तुम मेरे साथ यही सब कर रहे हैं? मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं की। इस गांव में आकर भी जो कुछ भी किया वो सब ये विलेज वालों का भलाई के लिए किया, उनका अच्छाई के लिए किया। क्या कर लेडीज को बोलने का हक नहीं है, उनके हक के लिए लड़ा मैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? और तुमको आज जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम मेरे को जवाब नहीं देगा मैं यहाँ से नहीं जाएगा। मारे छोरी ने बख्श दो। अरे यो काड़ा जल्दी ते पी, समझ ना आई? जल्दी ते थारे को चौधरी, चोरी देवी का रूप हुए हैं। हर एक दिन देवी खुद आवेगी थारे को दंड देने। जल्दी तो पीस है। बलवंत चौधरी, बहुत इंतजार किया सबने, पर अब इंतजार खत्म। वो आ रही है, सब आ रही है, अपने आंसुओं से गले लाने आ रही है वो सब। मनुष्य के लिए हर घटना का कारण समझना आवश्यक नहीं होता, बस विश्वास रखो कि जो हो रहा है किसी दिव्य कारण वश हो रहा है और मेरे अंश ने जन्म लेने के लिए तुम्हें चुना है। तुम्हारे माध्यम से वो बुराई का विनाश करने के लिए इस धरती पर आई है। वो सारी बालिकाएं जिनकी जन्म से पहले ही मृत्यु कर दी गई, आज एकत्रित मेरा अंश बनकर नखरौली की धरती को समस्त पापों से मुक्त करने आई है। अरे भाई, किसे छोरी ने देखा? उसकी भाषा मद्रासी जैसी है, हो सके जख्मी भी हो गए। रे चोर, मारे को दिख गए ना,
तो छोड़ दूंगा नहीं उसने, मारा तरबूज लेके उधर भाग गई वो। लेकिन यही तरबूज, यही तुम्हारा अंश कैसा हो सकता है?